नमस्कार दोस्तों, विद्या विजन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हिमांशु और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.4। इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे रिप्रेजेंटिंग द रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, चाहे नंबर रैशनल हो या इरेशनल हो, हम सभी नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। विजुलाइज 2.665 ऑन ए नंबर लाइन। 2.665 नंबर लाइन पे कहाँ पे होगा? तो सबसे पहले हम 2 को पता करते हैं नंबर लाइन पे कहाँ होगा। हम एक नंबर लाइन ले लेते हैं 0 से लेके अप टू 10 अप टू इन्फिनिटी तक। तो 2 तो हमको मिल जाएगा, लेकिन 2.6 कहाँ पे होगा? 2.6 होगा 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 को ले लेते हैं और इसको हम जूम करके इसके भी 10 इक्वल पार्ट्स करते हैं तो हमें मिलेगा 2.0, 2.1 अप टू 3.0। तो ये हमें मिल गया 2.6। अब 2.66 कहाँ होगा? इस नंबर लाइन के पार्ट को ले लेते हैं। ये हमने नंबर लाइन का पार्ट ले लिया। अब 2.66 जो होगा वो 2.6 और 2.7 के बीच में होगा। तो इसको हम जूम कर लेते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 2.60 से लेके 2.70, ये हमें मिल गया 2.66। अब 2.665 कहाँ पे होगा? 2.665 इसी नंबर लाइन के पार्ट को हम ले लेते हैं तो ये होगा हमारा 2.66 और 2.67 के बीच में। इस पार्ट को लेके इसको भी हम जूम कर लेते हैं और इसको भी 10 इक्वल पार्ट्स में अगर हम बांट दें तो ये हमें मिलेगा 2.661 से लेके 2.670 तक। ये हो गया हमारा 2.665। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को जिसकी वैल्यू हमें पता है, जो रियल नंबर है, उसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन और इस प्रोसेस को हम एंडलेसली कितना भी कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी सक्सेसिव मैग्निफिकेशन प्रोसेस। चलिए कुछ सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल है, विजुलाइज 3.765 ऑन नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। इसके लिए वही हम लेंगे। सबसे पहले 3.7 को हम फाइंड आउट करेंगे। नंबर लाइन ले लिया हमने 0 से लेके 10 तक, तो 3.7 होगा 3 और 4 के बीच में। इस पार्ट को ले लेते हैं, इसको मैग्निफाई करते हैं और इसको हम 10 इक्वल पार्ट्स में बांट लेते हैं तो ये हो गया हमारा 3.0 से लेके 4.0। यहाँ पे हमको मिल गया 3.7। अब 3.7 के आगे बढ़ने के लिए हम इसी नंबर लाइन को लेते हैं। 3.76 जो होगा वो होगा 3.7 और 3.8 के बीच में। इसको भी हम जूम कर लेते हैं, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं तो ये हमारा 3.71 से लेके 3.80 तक आ गया। ये हो गया हमारा 3.76। अब 3.765 के लिए इसी पार्ट को हम देखें तो 3.765 जो होगा वो 3.76 और 3.77 के बीच में होगा। इस पार्ट को हम लें और इसको भी जूम करके 10 इक्वल पार्ट्स में अगर हम बांट लें तो यहाँ पे हो गया 3.765। इस तरीके से सक्सेसिव मैग्निफिकेशन प्रोसेस के जरिए हम 3.765 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस प्रोसेस के जरिए। अगला सवाल लेते हैं, विजुलाइज 4.26 एंड रिपीटिंग ऑन नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल पॉइंट्स। इसी तरीके से हम इसमें देखेंगे, ये नंबर लाइन ले लेंगे, नंबर लाइन 0 से लेके अप टू 10 तक। तो 4.2626 में 4.2 होगा 4 और 5 के बीच में, तो इसको हमने लिया, इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया तो ये हमारा आ गया 4.2। अब 4.26 जो होगा वो होगा 4.2 और 4.3 के बीच में। इस पार्ट को हम लेते हैं और इसको भी हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं तो हमें मिल जाएंगे 4.20 से लेके 4.30 और ये हो गया हमारा 4.26। अब 4.262 कहाँ पे होगा? 4.262 होगा 4.26 और 4.27 के बीच में। इसको भी हमने ले लिया और इसको भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 4.26 एंड 2। इसको भी हम ले लेते हैं
और इसको भी 10 इक्वल पार्ट्स में जूम करके डिवाइड कर दें तो ये हमें मिल जाएंगे 4.2620 से लेके 4.2630 तक, ये हमारा आ गया 4.2626। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया 4.2626 को नंबर लाइन में कहां रिप्रेजेंट करें, तो ये हो गया 4.2626। लेकिन 4.26 एंड रिपीटिंग कहां पे होगा, वो होगा कहीं यहां पे जाके, ये 2626 के थोड़ा नजदीक होगा और 2627 से थोड़ा दूर होगा, तो 4.26 एंड रिपीटिंग यहां पे होगा। तो यहां पे हमारी एक्सरसाइज 1.4 खत्म होती है। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।